वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीसी के सुपर विलन स्केयरक्रो की ओरिजिन स्टोरी के बारे में। तो स्केयरक्रो, जिसके बचपन का नाम जोनाथन क्रेन था, उसने बहुत ही कम उम्र में अपने माँ बाप को खो दिया था। उसकी परवरिश उसकी दादी ने की, जो बहुत ही कहें तो सरफरी औरत थी और कट्टर क्रिश्चियन बिलीव्स वाली औरत थी। वो जोनाथन को स्कूल से लाकर एक पुराने चर्च में बंद कर दिया करती थी और वीकेंड्स और छुट्टियों में भी उसे उसी चर्च में बंद रखती थी, क्योंकि ये सोचती थी कि अगर जोनाथन बाहर जाएगा तो बाहर के लोग उसे पापी बना देंगे। अब उस पुराने चर्च में कौवों यानी कि क्रोस का डेरा था, जिसकी वजह से जोनाथन को कई तरह के फोबियाज हो गए। जोनाथन थोड़ा और बड़ा हुआ और कॉलेज गया। क्योंकि उसकी दादी ने उसकी परवरिश सही से नहीं की थी, इसलिए वो बहुत ही दुबला पतला और कहे तो बहुत ही अनअट्रैक्टिव था, जिसकी वजह से कॉलेज के लड़के उसका मजाक उड़ाते थे, उसे क्रो कहते थे और कहते थे तुम वाहियात हो, घटिया हो, वगैरह वगैरह। यानी पूरे तरीके से मेंटल टॉर्चर होता था उसका। जब ये मेंटल टॉर्चर और रैगिंग हद से ज़्यादा बढ़ गई तो जोनाथन ने खुद से वादा किया कि वो अपनी तकदीर बदलेगा और उन सबसे बदला लेगा जिसने उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जोनाथन को गौथम यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर के तौर पर रखा गया। यहाँ पे वो अपने स्टूडेंट्स पे साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स करने लगा। गौथम यूनिवर्सिटी के बाद उसे आर्कम एसाइलम में एज अ डॉक्टर नियुक्त किया गया। अब क्योंकि वहाँ के सब लोग मुजरिम थे, इसलिए वो अपनी मेडिसन अपने केमिकल का एक्सपेरिमेंट करता था क्रिमिनल्स के ऊपर, जो एक क्राइम था। लेकिन कई सालों तक अथॉरिटीज़ को इस बारे में पता ही नहीं चला। लेकिन जब अथॉरिटीज़ को इस बारे में पता चला तो उन्होंने जोनाथन को जॉब से निकाल दिया। अब जॉब से निकाले जाने के बाद जोनाथन पैसा कमाने के लिए क्राइम वर्ल्ड की तरफ मुड़ा और अपनी मेडिकल नॉलेज से अपने लिए बायोलॉजिकल वेपन्स बनाए और एक नए विलन को जन्म दिया, जिसका नाम था स्केयरक्रो। वो बहुत ही भूतिया हुलिया बनाता और चेहरे पर बोरी का मास्क पहनता था। उसका यह मास्क कहें तो दो काम करता था। एक, अपने कॉम्पिटिटर्स को डराता तो था ही, दूसरा यह मास्क खास इस तरीके से इजाद किया गया था कि जो केमिकल वेपन्स होते थे स्केयरक्रो के, वो खुद जोनाथन पे असर नहीं करते थे। अब स्केयरक्रो जब भी बैटल में जाता है तो विदाउट हैंडगन नहीं जाता है, और वो कई बार बैटमैन से भी टकराया है। लेकिन उसने कई बार बैटमैन को बहुत ही परेशान किया है अपने बायोलॉजिकल वेपन से, क्योंकि वो डर को हथियार बनाता है बैटमैन के खिलाफ। लेकिन बैटमैन धीरे धीरे कहें तो वो ट्रिक्स जान जाता है, जिससे वो जोनाथन क्रेन यानी स्केयरक्रो के सामने टिक सके। और जब भी वो स्केयरक्रो से उसका सामना होता है तो हमेशा गैस मास्क जरूर लेके जाता है। स्केयरक्रो ने क्राइम के थ्रू बहुत सा पैसा कमाया और छोटी छोटी चोरियां करके आगे जाके उसने बहुत कई बार बड़ाई करने की कोशिश की है, जिसका एग्जांपल हमको क्रिस्टोफर नॉलन की बैटमैन बिगेस्ट मूवी में देखने को मिलता है, जिसमें वो पूरे गौथम शहर को अपने केमिकल वेपन्स के थ्रू मारने की कोशिश और पागल करने की कोशिश कर रहा था। स्केयरक्रो का कैरेक्टर कई एनिमेटेड सीरीज में आ चुका है, लेकिन ये कैरेक्टर सबसे ज़्यादा फेमस हुआ बैटमैन बिगेस और डार्क नाइट में किलियन मर्फी द्वारा किए गए कैरेक्टर द्वारा, जो एक बहुत अच्छे एक्टर हैं। ये बैटमैन का कहें तो वन ऑफ द बेस्ट विलन है जोकर और रिडलर के बाद। और क्योंकि अब रिडलर भी द बैटमैन मूवी में अपीयर होने वाला है, तो हम उम्मीद करते हैं स्केयरक्रो का एक और वर्जन हमको फ्यूचर डीसीयू मूवीज में देखने को मिले। तो ये थी मेरी वीडियो स्केयरक्रो की ओरिजिन स्टोरी के बारे में। और आप डीसी फैन हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।